नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सेलिब्रिटी का प्रदर्शन, सुरक्षा के लिए है ये मांग। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर पहुंचे। सीबीआई ने कल एफआईआर दर्ज कर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी। इससे पहले बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ स्टार्स ने न केवल सड़कों पर आकर अपना रोष जाहिर किया, बल्कि उन्होंने प्रशासन और विपक्षी दलों पर सवाल खड़े करने के साथ अपने प्रदर्शन पर मकसद भी साफ किया है। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। इनके दौरान और कम से कम और 5 रेप की घटनाएं भी घट चुकी है पूरे देश में। हमको पता है महाराष्ट्र बदलापुर में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि असम में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि मुजफ्फरनगर में क्या है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, इसीलिए मैं कलकत्ते की जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे मैं अकाउंटेबिलिटी की मांग करूंगा। मैं कि मुझे जानना है कि आजीकर में क्यों हुआ ये, और ताकि आगे चल के ऐसा कुछ ना घटे। इसकी एक प्रॉमिस, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी मुझे चाहिए। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई ऑल्सो फील द जस्टिस एक इस घटना को, आरजीकर की घटना में एक या दो हो, तीन हो, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हो, जितने भी लोग इसमें शामिल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम सब चाहते हैं। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक दैट देर नीड्स टू बी सिस्टमिक चेंज इन चेंजिंग द मेंटेलिटी दैट कॉजेज रेप एंड मर्डर। देखिए, जिनको राजनीति करनी है इसमें वो लोग तो करेंगे, वो मतलब विरोधी लोग भी करेंगे, ये उनके लिए एक मौका है, वो करेंगे। और प्रशासन अगर कहने लगे कि जितने भी लोग रास्ते पे उतर रहे हैं वो सारे लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए, तो वो प्रशासन की भी गलती है। जो इनको राजनीति करना है, विरोधी लोग जो है वो करेंगे, लेकिन जो लोग हम देख रहे हैं घटना घटने के बाद से, जितने भी लोगों को हमने रास्ते पे आते हुए देखा है, खास करके 14 तारीख रात को, वो सब लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। वो लोग स्पॉन्टेनियस सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट है, फेमिनिस्ट का प्रोटेस्ट है, नॉर्मल पीपल का प्रोटेस्ट है। हाँ, तो कहीं पे भी राजनीति होगी इस बार ऐसी एक घटना को लेके। बदलापुर में भी जो है, महाराष्ट्र में वहां पे भी हो रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हमारे देश की एक रियलिटी है। तो हम जब रास्ते पे आ रहे हैं, तब हम कोई भी पॉलिटिकल बैनर के अंडर में नहीं आ रहे। हम एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ दिस सिटी, हम जस्टिस मांग रहे हैं। और जस्टिस सिर्फ आरजीकर की घटना का नहीं, बिल्कुल उसके लिए भी जस्टिस चाहिए। उसके लिए तो सर मतलब सबसे पहले जस्टिस चाहिए, उसके बाद ये पूरा साइकोलॉजी जो है, जो रेप की तरफ आदमी को धकेलता है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस चाहिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में। मुझे लग रहा है कि हमारे देश में जिस तरीके से रेप हो रहा है, जो रेप करते हैं उनको कोई डर नहीं है। मुझे लगता है कि इस आंदोलन के माध्यम से जो करना चाहिए, जो है कि कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहिए, जो भी रेपिस्ट हो, वो बंगाल में हो, बंगाल के बाहर हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर वहां से नागालैंड त्रिपुरा तक, जो भी मोलेस्टेशन इप्टीजिंग करेगा उनको डर होना चाहिए, और जो रेप करेगा उनको फांसी होना चाहिए। हमारे देश में हर लॉ में, हर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया है अमेंडमेंट लेके आके। एक ऐसा लॉ है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है अमेंडमेंट लेके आके बिल में चेंज कराना, और जो है कैपिटल पनिशमेंट। आई विल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जितनी जल्दी हो, और मुझे लगता है कि इस बिल में 200% सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज ये आज हमारे देश का सबसे बड़ा डिजीज हो चुका है। मुझे लगता है कि हर पार्टी को एक साथ में आके और नेक्स्ट सेशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली विद इन 10 डेज अ बिल शुड बी रेज एंड पास्ड सेइंग दैट देयर शुड बी अ कैपिटल पनिशमेंट टू ऑल द रेपिस्ट। वी हैव टू हैव अ पनिशमेंट जो कि उसको मतलब एक यूज करने के पहले वो लोग सोचेंगे कि ओ माय गॉड वी विल हैव दिस काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आज वो घटना के बाद और 5-6 घटनाएं ऑलरेडी हो चुके हैं। एक नर्स को रास्ते में रेप किया गया है उत्तराखंड में, कुछ देर पहले एक दो बच्ची को मोलेस्ट किया है। ऐसा मतलब हर दिन, हर रोज, हर समय ये हो रहा है। निर्भया में भी एक बड़ा पनिशमेंट मिला था, लेकिन बंद्रा साहब के अंदर भी इतना लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा जैसे चीज है, उसको और ज्यादा कठोर होने की जरूरत है।
ऑफकोर्स कठोर होने की जरूरत है। और जो मैं बोल रही थी कि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अगर नहीं होगा तो ऐसे चलता ही रहेगा, और ये अगर चलेगा तो हमारी समाज आगे नहीं जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे और अंधकार में चले जाएंगे, डार्कनेस में चला जाएंगे। तो यू नो, इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट से लॉ होना चाहिए कि ये लोगों को ऐसे शास्ति होना चाहिए, ऐसे सजा होनी चाहिए कि वो लोग दोबारा ना सोचे ऐसे करने के लिए। देखिए, सब कुछ सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षित भी है, मतलब अच्छा काम भी हुआ है बहुत कुछ। लेकिन मेरी मतलब मेरी बात यह है कि अच्छा काम होते होते ऐसा घिनौने काम भी हो चुके हैं कि उसका कोई नेगोशिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इधर यू हैव टू परफेक्ट इट और मतलब वी आर अ फेलियर। लेकिन बंगाल बहुत ही सबके लिए बहुत ही एक प्यारी सी जगह है, जहां पे हम लोग बंगाल के लोग बहुत बोलते हैं कि हम लोग बहुत इमोशनल पीपल है, हमारी बहुत अच्छी संस्कृति है, हमारी अच्छी हमारी प्यार से हम लोग सबको पेश आते हैं। लेकिन अभी ये प्यार, ये ममता कहाँ गए? इतने मतलब जो आज हुआ है ये लड़की के साथ, इतना मतलब इतना गंदगी, इतना रोष, मतलब इतना एंगर, इतना ब्रुटैलिटी, क्यों क्यों? बंगाल तो ऐसे नहीं थी। अभी तक न्याय मिलने में जो देर हो रहा है, इसके लिए लगातार रास्ते में देखा जा रहा है, हर कम्युनिटी देख रहा हूँ, मैं नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैम नॉन पॉलिटिकल पर्सन, माताएं बहने सभी, जैसे आप लोग भी आज यहाँ पे आए हैं, सभी लोग रास्ते में उतर, हाँ, क्योंकि सबके दिल में आया है ये, इतना दिल में धक्का लगा इसको लेके कि हर माँ, हर बेटी, हर वाइफ, हर सभी लड़कियां एक ही आवाज गूंज रही है सबके कानों में कि वी वांट जस्टिस। क्योंकि अगर जस्टिस नहीं होगा तो ये सबकी जिंदगी का फेलियर है, सबकी अपना मतलब क्या बोलते हैं, अपना जो मान है, जो इज्जत है, अपना जो जमीर है, अपना जो गुरूर है, वो सब कुछ मतलब सबके साथ हमारे मतलब सबका सत्यानाश हो जाएगा, सबका। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने इट विल बी लाइक सुइसाइडल टू योर ओन सेल्फ, क्योंकि अगर हमारी जो अपना खुद का जो एक इज्जत है अंदर से जो आती है, अगर वो ही हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो उसको हम अच्छे से नहीं रख सकते, तो हम दूसरे लोगों को क्या इज्जत देंगे? इट इज वी आर आवर इज्जत, आवर जो मतलब प्रेस्टीज, इट इज ऑन स्टेक।